सो हरे कृष्णा एवरीवन। नाउ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, है ना। अभी अभी कीजिए, अभी अभी जैसे ही आया वैसे ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आवाज़ जा रही है बस इतना काफ़ी है मास्टर। कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आवाज़ जा रही है ना हमारी? हाँ बस उतना ही काफ़ी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट, जलवा है हमारा भाई। चलो ओके ओके, जैसा आप कहते हो वैसा हम कर देते। और हाँ सुनो सुनो, वीडियो को पूरा देखना है ना, अंत तक, इधर से शुरू करके इधर तक, लास्ट तक, जब तक 0-0 ख़त्म ना हो जाए ऑटोमेटिक। मास्टर प्रचार ना आता आपका वीडियो में, तो प्रचार आएगा कब? जब देखोगे तब आएगा। नाउ ये क्या है? ये झेलम रिवर। अच्छा झेलम रिवर क्या है? आज हम झेलम रिवर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो झेलम भी एक नदी है, ठीक है, जो कि इंडस के जस्ट नीचे से फ्लो करती है। कहाँ से फ्लो करती है? इंडस के नीचे से। ओके इसको बड़ा कर दे क्या? हाँ नहीं तो प्राइवेसी कैसी की तैसी हो जाती है, वो बड़ा नहीं रहता। अब ये देखो, ये है झेलम रिवर। लिखो सबसे पहले हेडिंग डालो, दिस इज़ झेलम रिवर। ओके जिस जो रिवीजन कर रहा है उसको नहीं डालना है ना हेडिंग, कि मास्टर अपन रिवीजन भी कर रहे हैं फिर लिखो इसको वापस, 500 बार नहीं लिखना है। द झेलम हैज इट्स सोर्स एट वेरी नग, जो जो पढ़ चुका है ये सब सारी नदियाँ हमसे, उसको कुछ भी लिखने की ज़रूरत ना है, कुछ भी नहीं। जो नहीं पढ़ा है उसको सब कुछ लिखने की ज़रूरत है, और जो ऑफलाइन में पढ़ा है उसे तो फिर तो ये क्या वेरी नाग और क्या कश्मीर वैली, है ना। ये तो मतलब अपना घर के पड़ोसी के जैसे, मतलब बगल वाला नाली है ना वैसा दिखता है, और रोज़ ही जाते जाते उसको आर पार करके गए। तो ये झेलम है, इसका सोर्स है कहाँ से? वेरी नाग से, ठीक है। और ये लोकेशन कहाँ है? तो साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली। मतलब ये कि कश्मीर वैली से ही शुरू हो रही है क्या ये? हाँ कश्मीर वैली से साउथ ईस्टर्न, ये ईस्ट वाला पार्ट है, ये साउथ वाला पार्ट है। अरे कश्मीर वैली के साउथ ईस्टर्न पार्ट से शुरू हो रही है? हाँ उलर लेक को जाती है, इट फ्लो नॉर्थ वर्ड इन टू द उलर लेक। ये 3000 बार पिछले 6 महीने में बार बोला हूँ कि उलर लेक से जाती है। यूपीएससी सेट ए, यूपीएससी का क्वेश्चन नंबर 1, यूपीएससी सेट ए सेट का क्वेश्चन नंबर 1, मतलब सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है, और स्टेटमेंट नंबर 1 ये है कि बताइए कि झेलम रिवर जो है क्या उलर लेक से होकर के जाती है कि नहीं जाती है? स्टेटमेंट करेक्ट, जाती है। अरे भाई साहब ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है भाई। तो ऐसा ओपीएससी ने पूछा? हाँ ऐसा ओपीएससी ने पूछा। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली। अब ये बोले कि उलर लेक कहाँ है, तो लो ये कश्मीर का वैली है, ऐसे कश्मीर है और यहाँ पे है उलर लेक, और इसमें बनाओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एकदम सेंटर में लेके बनाओ ना, यहाँ बनाओ ना। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, और बोल रहा है कि ये है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली में। ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, इस वाले पार्ट में है कश्मीर वैली के। अब कश्मीर वैली यहाँ तक नहीं है तो इसको बनाने की ज़रूरत ना है। अब इसको चाहे तो काट सकते हैं ना, अब इसको चाहे तो इतना छोटा बना सकते हैं। कितना छोटा? यहाँ से इतना छोटा, और यहाँ पर है उलर लेक। ओके तो ऐसा है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, कौन सा है? तो ये है उलर लेक। अब उलर लेक से बात करें, फ्रॉम उलर लेक इट चेंज इट्स कोर्स साउथवर्ड। अब ये झेलम रिवर है, ये दक्षिण की ओर बहने लगती है, मतलब ऐसे बहने लगती है, डायरेक्ट दक्षिण बहने लगती है। ओके एट द बारामुल्ला द रिवर एंटर अ गोर्ज इन द हिल। बारामुल्ला के पास में ये गोर्ज में एंटर करती है, ठीक है। द रिवर्स फॉर्म्स स्टीप साइडेड नैरो गोर्ज। अब ये गोर्ज कैसा बनाता है मैंने बना करके बताया हुआ है, थ्रू द पीर पंजाल रेंज बिलो बारामुल्ला। अब ये देखो ये है पीर पंजाल रेंज, यहाँ पे है बारामुल्ला, और यहाँ से एंटर करती है बारामुल्ला से हिल में, हिल में मतलब पहाड़ी में, और जैसे ही पहाड़ी में एंटर करती है तो इसका नाम है पीर पंजाल रेंज। कौन सा है रेंज ये? अरे पीर पंजाल रेंज तो आपने पढ़ाया है पर मुझे ज़रा भी याद नहीं है। हाँ तो वीडियो पूरा देखो, वापस देखो, नोट्स बनाओ, याद हो जाएंगे। ओके मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपने लिखवा दिया है, बोल दिया है, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी तो यहाँ पे डीप गोर्ज बनाती है। अब गोर्ज में बना के बताता हूँ, ये लो ये मान लो कि एक प्लेन एरिया है, इसमें ऐसे ऐसे रंग भरा हुआ है, ठीक है। अब गोर्ज कैसा बनता है? तो ऐसा ये गोर्ज है, नदी यहाँ से इस वाले नीचे वाले से फ्लो करके जाएगी, यहाँ पर पानी भरा रहेगा,
ठीक है, ये मैं ब्लू रंग का पानी बना देता हूँ। आज ब्लू है पानी, हाँ तो पानी रोज़ ब्लू ही रहता है, आज ब्लू है पानी, पानी नहीं करना है। हाँ ये तो बात सही बोले आपकी, पानी तो रोज़ ब्लू ही रहता है, तो आज ब्लू है पानी, पानी का क्या मतलब है? अरे वो हनी सिंह से पूछो, मुझसे ना पूछो। एट द मुजफ्फराबाद, आप हनी सिंह को सुनते हैं? हाँ मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड है हनी सिंह। द रिवर टेक्स अ शार्प हेयर पिन बेंड साउथवर्ड, मुजफ्फराबाद से जो नदी है वो शार्प टर्न लेती है साउथवर्ड, दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और ये चेनाब को ज्वाइन करती है। क्या बोल रहे हैं, मतलब ये जितना भी पानी झेलम लेकर के जा रही थी वो चेनाब में डाल देती है। हाँ अरे वाह, मतलब ये उलर से होकर के जाती है। ओके, और इसका सोर्स जो है वो वेरीनाग है। ओके, ये कश्मीर वैली से ओरिजिन होती है, वेरीनाग से उलर में पानी डालती है, उलर से दक्षिण मुड़ती है, दक्षिण जा करके चेनाब में पानी डालती है, और जहाँ चेनाब में पानी डालती है इसका नाम है त्रिमू, TRIMU, त्रिमू। और जहाँ से पीर पंजाल में एंटर करती है उसका नाम है बारामूला, मतलब ये वेरीनाग से चलती है, उलर जाती है, बारामूला जाती है, पीर पंजाल को पार करती है और त्रिमू में जा करके पानी चेनाब में डाल देती है। और ये कौन सा नदी है? ये चेनाब है, ये झेलम है, इसके ऊपर इंडस है। ओके, तो ये रहा झेलम रिवर। झेलम रिवर ख़त्म होता है, ठीक है, ये हिमालय रिवर सिस्टम का एक पार्ट है। सो थैंक यू सो मच। तो बोलिए हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा बोलने के साथ साथ ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, थैंक यू। ये आपकी मर्ज़ी है, ये मर्ज़ी वाला है, मेरा काम है याद करवाना। हाँ आप ठीक करते हैं, हम तो भूल ही जाते हैं, तो इसको इरेज कर देता हूँ, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर दीजिए। इसके बाद हमारे पास क्या आने वाला है, तो वो है चेनाब। तो वीडियो को मैं रुक के रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो बोलिए हरे कृष्णा एवरीवन।